एक्सटर्नल लॉज इम्प्लीमेंट हुए, किस तरह का प्रोग्राम का एहतमाम यहाँ पे किया? मैं आपका वेलकम करता हूँ और थैंक यू भी करता हूँ कि आज हिस्ट्री का बहुत बड़ा दिन है। इसको सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा कि आज 160 साल पुराना लॉ जो है उसको रिप्लेस किया गया है, तो उसमें बहुत सारे अच्छे चेंज भी लाए गए हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत कारीगर साबित हुए। तो दूसरा, मैं अपनी इस पब्लिक से बड़ा खुश हुआ क्योंकि इन्होंने बड़े शॉर्ट टाइम में बड़ी इफेक्टिव पार्टिसिपेशन की और अपना कीमती टाइम निकाला, तो इनके व्यूज़ हमारे साथ अपने साझे किए हैं, तो हम इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, ये हमारा इनसे वादा है। थैंक यू सो मच। खाना जी, मैं जम्मू मुस्लिम यूनाइटेड फोरम का प्रेसिडेंट हूँ और तालाब खिड़का मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि आपने देखा, आज पुलिस पब्लिक मीटिंग है, जो नए कानून लागू हुए हैं उन पे हमारे पीर मिठा एसएचओ साहब ने और गुजनगर चौकी अफसर साहब और इनकी सारी टीम ने आज यहाँ पे एक पब्लिक मीटिंग रखी है। बड़ा अच्छा महसूस होता है, पुलिस और पब्लिक का जो गैप है वो बिल्कुल कम होता है और यहाँ हम आते हैं, लोग पुलिस से मिलते हैं, जो हमारे लोगों की देखें, आप देख रहे हैं कि यहाँ सारी मार्केटों के लोग खड़े हैं। ये बड़ा एक अच्छा फील होता है कि ये बड़ा पुलिस पब्लिक मीटिंग जो आपस में एक बड़ा अच्छी बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। इससे ये महसूस होता है कि जो भी क्राइम करने वाला या जो भी नशा करने वाला या नशा तक जो बेचते हैं, इन लोगों से हम जो छुटकारा पा सकते हैं पुलिस की वजह से, बस यही कहना चाहता हूँ सबकी तरफ से। शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। हुसैन काजमी हूँ, वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन इमामिया जम्मू का, एक रिनाउंड शिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से हमें आज एसएचओ साहब ने यहाँ पुलिस पब्लिक मीट में बुलाया है और इनका बहुत शुक्रिया कि मतलब इस तरह का जो मीट्स हैं, इस तरह के पुलिस और पब्लिक के साथ जो मीटिंग्स होती हैं, ये बहुत सी चीज़ों को सुलझा देती हैं। अगर कुछ चीज़ों का इशू भी हो तो पुलिस और पब्लिक का आपस में अगर मेल मिलाप अच्छा हो तो वो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपस में एमिकेबली सेटल डाउन हो जाती हैं। इसके लिए मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और इनको आश्वासन देते हैं, इनको यकीन दहानी कराते हैं कि हम हर हालत में इनके साथ हैं। इस एरिए की जो भी समस्याएं, जिस एरिए की जो भी कोई परेशानियां होंगी, वो हम इनके साथ मिलकर तय करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शेख जहूर अहमद, चेयरमैन मुस्लिम यूनाइटेड फोरम। मैं सबसे पहले तो SHO पीर मिठा साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बुलाया, क्योंकि आज जो है हम यहाँ पे पीर मिठा थाने में सेलिब्रेशन के लिए आए हैं, इम्प्लीमेंटेशन हम न्यू लॉज के लिए। तो इन्होंने कुछ लॉज जो हैं वो हमको बताए हैं कि जैसे अब IPC का भी वो चेंज, नाम भी चेंज हो गया है, वो बताया। उसमें फर्दर कुछ सेक्शंस जो है वो बताई, जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस थी उनके बारे में इन्होंने ब्रीफिंग दी है। तो क्योंकि हमने अभी किसी ने वो शायद हमने अभी वो ला पढ़े नहीं है कि उनमें क्या क्या चेंजेस हैं, लेकिन एक बहुत लंबा जो ला था 500 कुछ सेक्शंस का, उसको शॉर्ट करके तो छोटा कर दिया गया है, 350-352 सेक्शंस के तहत लाया गया। तो एक बहुत बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, तो मुबारकबाद है गवर्नमेंट को, हम मुबारकबाद ज्ञान देते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये जो लाज आए हैं, इसके साथ ही क्योंकि हम अपने एरिया की जो बातें हैं वो भी इसमें आपके साथ यहाँ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त दो तीन चीज़ें जो हैं वो चल रही है। एक तो अमरनाथ यात्रा जो है हमारी इस वक्त चल रही है, मेहमान जो है वो हमारे शहर में है, लेकिन हम ये भी साथ देख रहे हैं कि बहुत सी जगहों पे जो है जो एंटी सोशल एलिमेंट्स या एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो हैं वो इस वक्त काफ़ी सरगर्म हो गए हैं। और जिस तरह से रियासी में मंदिर के साथ वो छेड़छाड़ की गई और मंदिर वहाँ की गई, उसकी हम कंडेम्ड करते हैं, पूरे अपने अपनी कम्युनिटी की तरफ से, अपने तमाम लोगों की तरफ से उसको कंडेम करते हैं और लोगों से ये एक अपील करते हैं कि लोग जो हैं वो इस वक्त सतर्क रहे, मतलब कि वो विजिलेंट रहे, कि ऐसे लोग जो इस वक्त एक्टिव सोशल एक्टिविटी करना चाहते हैं उनकी निशानदेही की जाए, ताकि कोई जम्मू में ऐसी कोई वारदात ना हो जिससे हमारा अपना भाईचारा जो है वो खराब हो।